देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार? बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के आखिरी और सातवें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। जून को 8 प्रदेशों की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सातवें चरण में जिन प्रमुख सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। वाराणसी न सिर्फ इस चरण की बल्कि देश की सबसे हॉट सीट में से एक है। वाराणसी से 2 बार के सांसद पीएम मोदी के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को उतारा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से अतर जमाल लारी को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक करीब 13% मतदान हुआ है। वाराणसी में 12.66% वोटिंग दर्ज की गई है। बता दें कि लोकसभा सीट पर कुल मतदान के लिए 606 मतदान केंद्र पर कुल 1909 मतदेय स्थान बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में 11 संवेदनशील मतदान केंद्र और 114 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। चुनाव आयोग ने वाराणसी लोकसभा सीट पर 18 जोनल मजिस्ट्रेट और 127 सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात की है। सुबह से ही मतदान केंद्र पर उत्साह देखने को मिल रहा है। गर्मी से राहत, धूप और उमस में कमी के चलते मतदान केंद्रों पर मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय ने सातवें चरण के लिए अपना वोट डाल दिया है। वोट डालने पहुंचे शास्त्रीय गायक और विजय पंडित छन्नूलाल मिश्र ने कहा, मैं सभी से अपना वोट डालने का आग्रह करता हूँ। यह पूरे देश के लिए, पहले जो काशी थी वो काशी आज बदल चुकी है, उसमें अंतर है, इसमें बदलाव आया है। ये सब पीएम मोदी की देन है। संगीत के लिए और अधिक काम करना चाहिए। संगीत हमारे देश की विरासत है और बनारस की पहचान है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी को वाराणसी में मां गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करना चाहिए था। वाराणसी में वोटिंग से पहले कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि हम हर शुभ कार्य से पहले गणेश भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, हम काशी के लाल हैं। उन्होंने कहा कि ये जनता के बीच खड़े रहने का समय है, लोगों के सुख दुख में खड़े रहने का समय है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सदैव खड़े रहना। बता दें वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने सुबह पूजा करने से पहले कहा, यहाँ केवल इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है, किसी और की नहीं। कूड़ा उठाने वाले को देखते हुए बोले कि लोग मेरे लोग हैं, ये सभी मुझे यहाँ जिताएंगे। बीजेपी के कहने से कुछ भी नहीं होता। वाराणसी सहित सातवें चरण की सभी सीटों पर वोटिंग जारी है। जिस प्रकार से अजय राय ने प्रधानमंत्री को लेकर तमाम बयान दिए हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।